दोस्तों अपने देश में हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यूनिवर्सिटीज अलग अलग तरह के कोर्सेज करवाती हैं, अलग अलग तरह के अप्रूवल्स हैं उनके पास। कैंपस डिपेंड करता है किस तरह कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवा रही है, और साथ में ही डिपेंड ये भी करता है कि यूनिवर्सिटी को NIRF ने रैंकिंग क्या दी है, NAC एक्रेडिटेशन है कि नहीं, कौन कौन से और दूसरे अप्रूवल्स हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देखने को आपको मिलेंगी जिन यूनिवर्सिटी के पास NAC एक्रेडिटेशन ठीक लेवल का नहीं है या फिर NIRF की तो बात बहुत दूर की है। आज मैं जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाला हूं, यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ में चलती है दोस्तों। हालांकि छत्तीसगढ़ में टोटल अभी 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की एंट्री दिखाता है, और टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें UGC पर तो अभी 440 अपडेट है टोटल एंट्रीज जो दिखाता है। छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटी है कलिंगा यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, रायपुर जगह पड़ती है, वहां पर यूनिवर्सिटी आती है। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। टोटल 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है कलिंगा यूनिवर्सिटी, और इसके बारे में आज आपके सभी तरह के डाउट्स मैं खत्म कर दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से। बताऊंगा आपको अप्रूवल्स क्या क्या है यूनिवर्सिटी के पास, बताऊंगा आपको UGC पर आप इस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, NIRF के बारे में बताऊंगा, NAC एक्रेडिटेशन और साथ में ही कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी करवाती है, कहां यूनिवर्सिटी का कैंपस है, चांसलर साहब कौन है, वाइस चांसलर कौन है, साथ में रजिस्ट्रार साहब कौन है, इस यूनिवर्सिटी के सभी तरह के डाउट्स आज क्लियर होंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी कलिंगा यूनिवर्सिटी पर कुछ वीडियोस बनाई हैं आपके लिए और आपके डाउट्स को क्लियर किया था, क्योंकि स्टूडेंट लगातार हमारी वीडियोस में जब कमेंट करते हैं पूछते हैं कि कलिंगा यूनिवर्सिटी से ये हमने कोर्स किया, हम ये कोर्स करें या ना करें, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं आपके पास। तो कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा कुछ जानने से पहले तो थोड़ा सा एक शॉर्ट एक समझ लीजिए यूनिवर्सिटी की डिटेल्स क्या बोलती है। दोस्तों यूनिवर्सिटी 2011 एस्टेब्लिशमेंट दिखाता है, साथ में ही UGC एक्रेडिटेशन दिखाता है, साथ में ही एकेडमिक एफिलिएशंस की बात करें तो NAC के बारे में भी बात करता है, और बात करता है साथ ही के यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं वो है संदीप अरोड़ा, जो चेयरपर्सन है यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जो डाला है राजीव कुमार, और वाइस चांसलर है आर श्रीधर। ये तो कुछ डिटेल्स हैं, बाकी कुछ अप्रूवल्स दिखा रखे हैं जैसे कि AICT, AIU, BCI, INC, NCTE, PCI और भी कुछ अप्रूवल्स हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। सबसे पहले यूनिवर्सिटी को जानने के लिए दोस्तों आपको जाना पड़ेगा UGC पर, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने के लिए एक ही बॉडी है, वो है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में डिटेल वीडियो मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि UGC कैसे काम करता है। 1956 का जो एक्ट है UGC का, उसके तहत सारी यूनिवर्सिटीज बनती हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब आप कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को UGC पर? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा UGC की साइट पर www.ugc.gov.in। जैसे ही यहाँ पर आप लॉग इन करते हैं तो इंटरफेस जो खुलेगा UGC का, वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिक्स नंबर पर HEIS लिखा हुआ है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, HEI की फुल फॉर्म है। और हम बात करें इस एक्ट की तो जो एक्ट है हायर एजुकेशन एक्ट 1992 का, उसके तहत बातें बताई गई हैं। तो यहां पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहां पर, तो यहां पर आता है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक टैब बना हुआ। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर पहले तो आएगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और नीचे उसके देखोगे तो सी पर आप जाओगे तो यहां पर आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो टोटल यहां पर 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिखाता है छत्तीसगढ़ में, और इन्हीं 15 में से एक नाम आता है कलिंगा यूनिवर्सिटी, जो कि 188 नंबर पर उसकी एंट्री की हुई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों, हालांकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं बहुत कम ही हैं जो उस लेवल की आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाती है। और ये यूनिवर्सिटी किस तरह की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करेगी वो तो तभी पता चलेगा जब आप यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन लेना दोस्तों आपका अधिकार है। सिर्फ ऐसा नहीं एक यूनिवर्सिटी बन गई, एडमिशन ले लिया, क्लास प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों आगे आप क्या देखेंगे, यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है तो आप पहले अदर डिटेल पे आप क्लिक कीजिए इस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि व्यू वेबसाइट तो सीधा वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे आप। कलिंगा यूनिवर्सिटी 24/3/2011, मतलब कि 24 मार्च 2011 में यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट दिखा रहा है। साथ में डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी 17/4/2017 में सबमिशन हुआ। एक्सपर्ट कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन यस, यहां पर मार्क डाला हुआ है कि यस है, क्योंकि आपको यूजीसी पर यूजीसी के कमेंट जरूर देखने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। और साथ में ये बात करें डेट ऑफ विजिट कब की है, ये तो यहां पर इसकी विजिट भी डाली है, दिसंबर 2017 की यहां विजिट है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं। पहले हाले क्या होता था कि मोर डिटेल पे जब आप क्लिक करते थे तो यहां पर बाकी डिटेल्स भी खुलती थी यूनिवर्सिटी की, जैसे कि चांसलर साहब, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, इन सब की डिटेल्स भी आ जाया करती थी। जैसा आपने देखा कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल मान्य है, एडमिशन तो आप ले सकते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं व्यू वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि वेबसाइट से ही पता चलेगा यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर, जो यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है kalingauniversity.ac.in, आप यहां पर आएंगे तो देखोगे कि नैक ग्रेड B+ लिखा हुआ है। दोस्तों ए और ए प्लस के ऊपर की बात करो, अगर आप किसी का नेक चेक करते हो, ये बी और बी प्लस इन सब से कुछ होने होने वाला नहीं है। दोस्तों अभी 2023 में यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से नए अप्रूवल्स आए हैं, कौन कौन से नए कोर्सेज आए हैं, या फिर कौन से अप्रूवल्स अब हट गए हैं, या कौन से कोर्सेज अब यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकती, ये सब के लिए हमें यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट करना होगा, या फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस आए 2023 का, तो ही आपको डिटेल में बता पाएंगे। पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपने आप को ट्रांसपेरेंटली स्टूडेंट्स के सामने लाना चाहती नहीं है और स्टूडेंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ये भी काफी यूनिवर्सिटीज नहीं चाहती है। बट इस यूनिवर्सिटी का जब भी कभी हमारे पास प्रॉस्पेक्टस 2023 का आता है या हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। अब NIRF की बात करें तो NIRF की 2022 की यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हालांकि 23 की लिस्ट भी अब तो आ चुकी है यूनिवर्सिटीज की। NIRF पे नंबर क्या है, बिलो 100 तो खैर नहीं है इस यूनिवर्सिटी का, कंफर्म है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी ऑनलाइन MBA करवा रही होगी। और भी कई सारे अप्रूवल्स हैं यूनिवर्सिटी के पास जिनकी बात करती है। बाकी अप्रूवल्स की जरूरत क्यों है यूनिवर्सिटी को, आप ये भी समझ लीजिए दोस्तों, जब भी कभी कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो जैसे ही यूजीसी की मान्यता मिली तो यूजीसी की मान्यता मिलते ही सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, UGPG प्रोग्राम्स, साथ में रिसर्च जैसे प्रोग्राम्स कराना यूनिवर्सिटी शुरू कर देती है। बट जब उसे करवाने हैं कोई भी काउंसिल प्रोग्राम्स तो काउंसिल कोर्सेज को कराने के लिए काउंसिल का अप्रूवल लेना जरूरी है, वरना यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज को करा नहीं सकती है। तो यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी के अलावा और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, अब आप उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी, NIRF, NAC, इन सब के अलावा दूसरे अप्रूवल्स की हम बात करते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल दोस्तों लेना पड़ता है अगर यूनिवर्सिटी LLB, LLM में एडमिशन लेना चाहती है। आप 3 साल की LLB करें, 5 साल की LLB करें, या फिर LLM में एडमिशन लें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, मूट कोड जरूर देखें, क्योंकि एक्सपोजर बहुत जरूरी है दोस्तों किसी भी कोर्स को करने के लिए, वरना कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आप ऐसे ही वकील साहब बनोगे, आपको नॉलेज कुछ होगी नहीं, बेटर है जाके मूट कोड आप जरूर देखें। साथ में यूनिवर्सिटी मेंशन करती है कि AICT का भी अप्रूवल है, हालांकि जैसा मैंने पहले कई बार आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया कि किसी भी यूनिवर्सिटी को AICT के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इस अप्रूवल की मैंडेटरीली जरूरत होती है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऐसे भी डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक जैसे कोर्सेज करा सकती है। साथ में यूनिवर्सिटी यूजीसी तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया 2011 से यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी ने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC के बारे में जिक्र किया हुआ है। PCI, फार्म काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्म काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि आपको बी फार्मेसी करना है, डी फार्मेसी करना है, एम फार्मेसी करना है, तो ऐसे कोर्सेज को करने के लिए आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी के पास PCI, फार्म काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना जरूरी है, वरना वो कोर्स नहीं करा सकते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अभी एग्जिट टेस्ट आया है डी फार्मेसी के लिए, उस पर भी डिटेल वीडियो हमने बनाया है, और PCI, फार्म काउंसिल ऑफ इंडिया जो काउंसिल है, उस पर भी डिटेल वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी
डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं। वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहें तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, LOR, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में अभी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करें यूनिवर्सिटी के पास, तो AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उसका एक एसोसिएशन है जिसको हम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। जैसे पहले ही मैंने आपको बताया था, ज्यादातर जो बाहर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं इंडिया में, वो इसको ज्यादा देखते हैं। हालांकि इतने ज्यादा फर्क उन चीज से पड़ता नहीं है, बट एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज में लिस्ट होना और साथ में उसका मेंबर बनना भी ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और साथ में एक अप्रूवल और जो दिखाता है NCTE का। दोस्तों आप करना चाहते हो BEd, BPed, जितने भी मतलब टीचिंग रिलेटेड आप कोर्सेज करना चाहते हो, तो उस यूनिवर्सिटी के पास NCTE का अप्रूवल होना जरूरी है। अगर NCTE का अप्रूवल नहीं है तो यूनिवर्सिटी वो कोर्स करा नहीं सकती है, क्योंकि आप जैसे ही कोई भी जॉब के लिए फॉर्म भरोगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि NCTE का अप्रूवल जरूरी है। CTET के एग्जाम देना पड़ता है, इसके बाद उस पर डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। CTET और TET क्या बोलता है, कैसे काम करता है, आप उस वीडियो को भी देख लें तो CTET को भी पूरी तरह से आप समझ पाएंगे। साथ में यहाँ पर PhD करवाने के लिए, दोस्तों रिसर्च कराने के लिए किसी खास अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। यूनिवर्सिटी को UGC का अप्रूवल मिला है, यूनिवर्सिटी PhD में एडमिशन ले सकती है, उसी तरह से ये यूनिवर्सिटी भी एडमिशन लेती है। साथ में स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब कि छत्तीसगढ़ स्टेट का अप्रूवल होगा यूनिवर्सिटी के पास, वो भी यूनिवर्सिटी के पास है। हालांकि दोस्तों यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर मेंशन की हुई है, उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग तरह की वीडियोस बनेगी और हमें इंतजार भी रहेगा आपके कमेंट्स का, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर आप चाहते हैं और यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से चलते हैं। मैंने बताया UGC पर कैसे चेक करेंगे, कुछ अप्रूवल्स के बारे में आपको बताया, आप कोर्सेज जो स्कूल के नाम से जो यूनिवर्सिटी चलाती है, जैसे कि यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं, जैसे BBA में, MBA में या फिर PhD करनी है मैनेजमेंट में, उस सब में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि डिप्लोमा, BTech, MTech आप करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन लेती है। AICTE के अप्रूवल की मैंने अभी बात की थी आपसे। कंप्यूटर साइंस एंड IT, मतलब BSc में या BSc IT, MSc IT, IT रिलेटेड कोई भी कोर्सेज आप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में कॉमर्स की बात करें, BCom की, MCom की यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। साथ में फैशन डिजाइन में, आप फैशन डिजाइनिंग में यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज करवाती है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। साइंस नॉर्मल कोर्स होता है, BSc कर लो या MSc कर लो, BSc PCB या फिर MSc कर लीजिए किसी भी एक ऑनर्स में, मतलब MSc मैथ्स, MSc फिजिक्स, MSc IT, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। साथ में यूनिवर्सिटी लॉ करवाती है, LLB, आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो लॉ कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, B Pharmacy, D Pharmacy, M Pharmacy, दोस्तों एक कोर्स Pharma D भी होता है, उस पर भी हालांकि हमने वीडियो बनाई है। एजुकेशन में यूनिवर्सिटी BEd करवाती है, साथ में BPed करवाती है, और भी कुछ कोर्सेज जो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं यूनिवर्सिटी उन सब में एडमिशन लेती है। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, इंटीरियर डिजाइन किस लेवल का यूनिवर्सिटी का चलता है वो तो आपको जाके ही पता चलेगा, ऐसे हम नहीं बोल सकते। तो ये तो दोस्तों कुछ स्कूल्स जो यूनिवर्सिटी ने बताया कि हम इन सब में एडमिशन लेते हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी के पास डिस्टेंस का भी अप्रूवल था, डिस्टेंस एजुकेशन का, DAP की मैं बात कर रहा हूं, अभी अप्रूवल है या नहीं DAP पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, उस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं डिस्टेंस के बारे में, या फिर क्या यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम में कोई कोर्सेज करवा सकती है, या फिर क्या यूनिवर्सिटी ऑनलाइन वे में कोई कोर्स करवा सकती है, इसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो भी आप बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, उस पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। क्यों, डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या है जानना, क्योंकि हमने एक यूनिवर्सिटी पर जब एक वीडियो बनाई तो आपको हमने बताया कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या है, कोर्सेज क्या है, यूजीसी पर कैसे चेक करेंगे और कौन से अप्रूवल्स है, कब यूनिवर्सिटी बनी। बट ऐसे कई सारे सवाल आपके दिल में दोस्तों हो सकते हैं जो आप चाहते हैं, या फिर आप ये भी चाह सकते हैं हम यूनिवर्सिटी विजिट करें या फिर यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है 23 का उसके अनुसार आपको बताएं। तो जो भी आपके दिल में सजेशंस हैं, जो भी सजेशंस आप देना चाहते हैं सजेशंस दें, हमें उसका इंतजार रहेगा और साथ में ही हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और दोस्तों अच्छा लगा आज का हमारा वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हैं हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।